Hello everyone, my name is Jessie and in this video I am going to explain question number 3 of exercise 6.3 and the question is find the square root of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. Repeated subtraction ki help se hame in dono ka kya find karna hai square root. Okay, as we know square kya hota hai kisi bhi number ka sabhi odd successive natural numbers ka sum. Okay, kyunki humne kiya tha suppose 1 प्लस 3 प्लस 5 अगर इसका सम हमें फाइंड करना है तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं काउंट करते हैं 1 2 3 कितने डिजिट हैं 3 और 3 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 9. ओके मींस अगर इनको हम प्लस करें तो आंसर क्या आएगा हमारा 9. ठीक 3 प्लस 1 इज 4 4 प्लस 5 इज 9. ठीक तो अभी यहां पर सिर्फ 3 नंबर है 3 ऑड नेचुरल नंबर है बट अगर नंबर ज्यादा होते हैं तो वहां भी हम ये वाले मेथड से स्क्वायर करके उसका सम फाइंड कर लेते हैं. ओके सो दैट मींस क्या हुआ इससे कि जो भी स्क्वायर्स हैं वो सब क्या हैं ऑड सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स के सम. ठीक और अगर ऐसा है तो इसलिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में हम इन दोनों नंबर से किसको माइनस करेंगे सिर्फ ऑड सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स को. राइट तो यहां पर 100 माइनस 1 इज 99 देन 99 माइनस 3 इज 96 96 माइनस 5 इज 91 91 माइनस 7 इज 84 84 माइनस 9 इज 75 सभी कैसे हैं ऑड सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स. ओके किस लिए किया है वो भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. 75 माइनस 11 इज 64 एंड इसी तरह से लास्ट में हमें कहां तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक हमारा जीरो नहीं आता. ओके जब हमारा जीरो आएगा तो ये जितने भी स्टेप्स कंप्लीट हुए जीरो तक वो हमारा क्या होगा आंसर मींस इस गिवन नंबर का स्क्वायर रूट. ओके हमें ऐसे भी पता है कि 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10. ठीक बट क्योंकि हमें कहा गया कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से करना है इसलिए ऐसे करेंगे और आंसर हमारा क्या आएगा टोटल कितने स्टेप हैं जीरो आने तक 10 स्टेप इसलिए 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 10. ओके आई बात समझ इसी तरह से इसको करते हैं. नाउ 169 के लिए करेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन तो अगेन हम ऑड नंबर्स को ही माइनस करेंगे. ओके और जितने स्टेप्स में माइनस करके क्या आएगा जीरो वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर मींस वो स्क्वायर रूट है किसका 169 का. ओके तो हमने किया है 169 माइनस 1 इज 168 देन -3 किया देन 5 को किया 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 और ये कंप्लीट कितने स्टेप्स है 13 स्टेप्स. ओके तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169 इक्वल्स टू 13. ओके आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ आया होगा. समझ आया तो लाइक जरूर करिए. थैंक यू.